रीताज पकवान में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाम को टी टाइम चाय के साथ खाने के लिए रोस्टेड चूड़वा का नमकीन स्नैक्स। इसके लिए मैंने लिए कड़ी पत्ते, साबुत धनिया, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, 3 सूखी मिर्च लाल मिर्च, आधा कटोरा ये चनाचूर, आधा कटोरा ये भुजिया और एक कटोरे लिए मूँगफली। सबसे पहले मैं इसमें मूँगफली डालूंगी। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सादा तेल डाल कर रखी थी, इसमें मूँगफली भून कर पहले निकाल लेती। जिस तेल में मैं मूँगफली भूनी हूँ उसी तेल में अब मिर्ची का छौंक लगाऊंगी। लाल सूखी मिर्च 3 मिर्ची डाली मैं, उसके बाद डालूंगी मैं कड़ी पत्ते। उसके बाद में साबुत धनिया जो डाल दूंगी 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दूंगी। उसके बाद रोस्टेड जो चूड़ा हो जाए बहुत अच्छा स्नैक्स बनाते हैं। बस 2-3 बार चलाने के बाद ही भून जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको भून करके फिर इसे मैं 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। उसके बाद 1 चम्मच चीनी, चीनी डालने से तो मीठा रहने से बहुत टेस्टी लगता है ये। बहुत जल्दी फटाफट बनने वाला स्नैक्स है, बना के इसको एयर टाइट डब्बा में रख दीजिए और आराम से महीनों तक खा सकते हैं। इसके बाद इसे मिर्ची पाउडर, मैं तीखी लाल मिर्च ली हूँ 1 चम्मच, ये डाल दूँगी। ये बनकर सब तैयार है। भूनने के बाद इसमें मैंने जो चनाचूर रखी है चनाचूर को डाल दूँगी। अब देखिए भुजिया भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। रेडी हो गया बनकर। लास्ट में ये जो मूँगफली मैं भुनी हूँ मूँगफली मिक्स कर दूँगी। बस ये स्नैक्स रेडी हो गए। अब इसको कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, भर कर महीना भी में चले जाएगा। आप वो ऐसे भी खा सकती है, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता। और अगर मन करे तो इसमें हरी मिर्च, महीन महीन प्याज काट करके, धनिया पत्ता डाल के, अगर आप बॉयल आलू हो तो बॉयल आलू डाल दीजिए, और ज़्यादा टेस्टी रहेगा खाने में। चाय के साथ खाने के लिए बहुत अच्छा नाश्ता, बहुत अच्छा स्नैक्स है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बना के घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये।